हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आप इस टाइप के वीडियो देख सकते हो, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा वीडियो को किस तरह से शूट करना है, किस तरह से एडिट करना है और किस तरह से टिकटॉक पर आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वीडियो को शूट कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले वीडियो को टिकटॉक साउंड पे ही वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो जब शूट करेंगे मोबाइल के कैमरा को DSLR कैमरा से वीडियो शूट करते हैं, तो आपको SRL कैमरा को या फिर मोबाइल कैमरा को पोर्ट में लगा देना है। क्योंकि और इसके बाद जब भी वीडियो शूट करेंगे तो आपको वीडियो में 75% प्लस जो है आसमान आपको दिखना चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आपको वीडियो शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर पिक्सल है और एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इस टाइप की वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं, तो वीडियो यहां पे थोड़ा लंबी हो सकती है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सेटअप बाय सेटअप बताऊँगा वीडियो को प्रोफेशनल कैसे एडिट किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको फिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है, तो आपको बॉक्स पे डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है हैप्पी न्यू ईयर 2020। मैं यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2020। इसके बाद ओके कर देना है। करने के बाद इसे आपको सेंटर में कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कलर पे आना है और यहाँ पे आपको कलर जो है रेड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद फाउंट पे आना है और यहाँ पर आपको जो भी आप फाउंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ये लोग आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। इसके बाद 3G शैडो पे आना है, इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद 3G टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसे भी आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद डन कर देते हैं। इसके बाद शैडो पे क्लिक करना है, इसे भी आपको इनेबल कर देना है। स्टॉकिंग पे क्लिक करना है और इसे भी आपको इनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद डन करना है। इसके बाद डबल बॉक्स पे क्लिक करना है और इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। तो इमेज जो है आपको PNG में आ चुका है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। ये इमेज जो है आपको गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद एडिट पर क्लिक करना है। फिर से एडिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें टाइप कर देना है इंडिया। डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसे आपको इस तरह से जूम कर सेंटर में कर देना है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी कर देना है। तो यहाँ पे हमारा दो इमेज गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद इसे बैक करते हैं और डायरेक्ट हम काइन मास्टर अप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो इसके बाद काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए हैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। हमारा वीडियो जो है कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी शूट कर लेना है। वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो की लास्ट तक लेकर आना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। वीडियो को आपको इस पोजीशन में लेकर आना है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम नीचे से हाथ ऊपर की तरफ कर रहे हैं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद एरो पे क्लिक करना, इसे आपको रोटेट कर देना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करना है, इसे आपको इनेबल कर देना है और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ इस पर प्रेस करके रखना है, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद इसी वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, इस एरो पे क्लिक कर इसे आपको जूम कर देना है। आपको सही तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। इन एनिमेशन में आना है
और यहाँ पे आपको वाइप राइट सेलेक्ट कर लेना है। स्पीड आपको 0.5 कर देना है। हमारा वीडियो जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर से हमें वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। फिर से हमें इस पोजीशन में लेकर आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद फिर से हमें उसी वीडियो को सेलेक्ट करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर रखा हूँ। इसके बाद फिर से हमें एरो पे क्लिक कर रोटेट कर देना है। इसके बाद फिर से हमें क्रोपिंग पे क्लिक करना है। फिर से हमें इसी बॉक्स को सेलेक्ट करना है, इसे हमें क्रोप कर देना है। क्रोप करने के बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक कर इसे आपको जूम कर देना है। इन एनिमेशन में आना है, वाइप राइट सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो हमारा इतना काम हो चुका है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। अब जैसे ही हाथ हम ऊपर की तरफ लेकर आते हैं तो आपको फिर से हमें इस पोजीशन पर आ जाना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। फिर से हमें वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर रखा हूँ। एरो पे क्लिक करना है, इसे आपको इस तरह से रोटेट कर देना है और इसे आपको फुल साइज कर देना है। इसके बाद इन एनिमेशन में आना है, अब फेड कर देना है। फेड करने के बाद आपको हल्का सा आगे लेकर आना है, 0.1 या 0.2 के आसपास। इसके बाद जो ऊपर की लेयर पे जो वीडियो एक्स्ट्रा है उसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद लास्ट तक लेकर आना है, एक्स्ट्रा पार्ट को भी ट्रिम टू राइट कर देना है। तो अब मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ हमारा वीडियो किस तरह से दिख रहा है। तो हमारा वीडियो तैयार लगभग हो चुका है। इसके बाद हमें लास्ट वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लेस सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएगा। और जैसे हम हाथ ऊपर की तरफ करते हैं तो यहाँ पे हमारा हैप्पी न्यू ईयर 2020 लिखा हुआ आ जाता है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। जो हमने फिक्सल लैब से इमेज को सेव कर रखे हैं पीएनजी में, उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसे आपको इस तरह से जूम कर लेना है और ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इन एनिमेशन में आना है, इसे आपको फेड कर देना है। वीडियो को फिर से आगे की तरफ लेकर आना है। यहाँ से आपको यहाँ पे आपको 0.7 या 0.8 तक रहने देना है। इस पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। फिर से हमें फिक्सल लैब से जो हमें इमेज को इंडिया को सेव कर रखे थे उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको जूम कर लेना है और ऊपर आपको कर देना है। इन एनिमेशन में आना है, ऐसे आपको फेड कर देना है। इसके बाद लास्ट में आना है, इसके बाद आपको ट्रिम टू राइट कर देना है एक्स्ट्रा पार्ट को। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। यदि आपने वीडियो को टिकटॉक के साउंड पे वीडियो शूट कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी म्यूजिक ऐड है। यदि आपने डायरेक्ट वी कैमरा से शूट कर रखे हैं तो आपको करना क्या, यहाँ पे आइडियो म्यूजिक ऐड करना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। वीडियो में जो भी आइडियो होगा बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो हमारा यहाँ पे आइडियो भी ऐड हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, इसे आपको डन कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। हमारा वीडियो जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब चलते हैं टिकटॉक एप्लीकेशन की ओर, वहाँ पर बताता हूँ वीडियो को आपको किस तरह से अपलोड करना है। तो आपको टिकटॉक ओपन करना है। ओपन करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक, ये वीडियो आपको ओपन हो जाएगा। इसके बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूज दिस साउंड पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है और वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वॉल्यूम पे क्लिक करना है, इसे आपको जीरो कर देना है, इसे आपको फुल कर देना है। इसके बाद ओके करना है, इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हैशटैग यूज कर लेना है, सिंपल हैशटैग यूज कर लेना है। फर्स्ट में यूज करना है आपको टिकटॉक इंडिया, सेकेंड में आपको यूज कर लेना है फॉर यू पेज,
थर्ड में यूज कर लेना है फॉर यू, फोर्थ नंबर में यूज कर लेना है आपको ट्रेंडिंग, और इसके बाद आप फाइव नंबर में यूज कर सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2020। इस तरह से आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, इसके बाद आपको पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो